सुधर अभी हम हैं डिलाइट सिनेमा में, जहाँ पर माय फ्रेंड्स दुलिया की कास्ट टीम आई है अपनी फिल्म का प्रमोशन करने। और अभी हमारे साथ हैं सौरभ रॉय, जो कि हमें बताएंगे फिल्म के बारे में। कैसा आपका किरदार रहा सौरभ रॉय, कुछ बताएं। जैसे कि आपने देखा, अभी इंटरवल हुआ है मूवी का, और इंटरवल तक ये है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, और मेरे दोनों फ्रेंड्स का फेयर मेरी होने वाली वाइफ के साथ है। तो एक्सपीरियंस मूवी शूटिंग का तो बहुत ही अच्छा था। जैसा आपने देखा, जम्मू में थे और कश्मीर में थे, तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और एक जो सलाह मैं लोगों को देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों को अगर शादी में बुला रहे हैं तो अपनी होने वाली वाइफ की फ़ोटो मत दिखाइएगा, बहुत लफड़ा होता है यार, पूरी मूवी बन गई उस चक्कर में। तो फिल्म आगे जो इंटरवल की बात है, रोमांटिक है या फिर कुछ सस्पेंस है और भी बताएं। थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ी सी कॉमेडी है, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, अब तो मेन चीज़ शुरू होने वाली है। तो ऑडियंस जो फिल्म देखेगी वो थोड़ा मतलब बैठी रहेगी फिल्म को इंटरवल के बाद भी देखने के लिए? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, इंटरवल के बाद तो बहुत कुछ है, अभी तो मेरी बारात निकलनी है सर। स्टार्ट आपसे फिल्म हुई है, देन इंटरवल के बाद आपका क्या किरदार हमें देखने को मिलेगा? मैं दूल्हा हूँ, मेरा वही किरदार है, कोई मेरे को कुछ बता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है शादी में। दोस्तों के बीच आप पिसते हुए नजर आएंगे। यस डेफिनेटली। माय फ्रेंड्स दुल्हनिया फिल्म ओपी राय ने डायरेक्ट की है। फिल्म के बारे में तो पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सबसे पहले कि कलानिकेतन एंटरटेनमेंट, जो कि थर्ड फिल्म है, उसके बैनर के तले रिलीज होने जा रही है। और इससे पहले हमने दो फिल्में बनाई हैं, हमें इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर आलोक राय हैं और इसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, को डायरेक्टर, तो हम सब ने मिल के, मैंने पहले तो ये ज़रूरी था कि मैं अपने बारे में कुछ आपको बताऊँ। अब आप पूछिए क्या पूछे? सर, माय फ्रेंड दुल्हनिया, आपने ये नाम कैसे, मतलब ये टाइटल आपने क्या सोच के रखा? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत प्रेस में बार बार बॉम्बे पूछा गया, यहाँ पूछा जा रहा है। अच्छी बात है, एक्चुअली पूरी फिल्म जो शूट हुई है वो कश्मीर के अंदर है, वो लव स्टोरी है, तो मैं चाह रहा था कि इसका नाम लव इन कश्मीर रखा जाए, लेकिन लव इन कश्मीर टाइटल हमें मिला नहीं। फिर हमने सोचा कि इसको कश्मीर एक शादी हो जाए, वो भी टाइटल हमें नहीं मिला। तो फिर इसके बाद में कोई अल्टरनेटिव था, फिर हमने डिस्कस किया कि सारे दोस्त हैं और दुल्हन की शादी में जा रहे हैं, मतलब उसमें जा रहे हैं, तो फिर ये लगा कि सोशल जो वर्क नाम है वो माई फ्रेंड दुल्हनिया हम रखते हैं, और सबने अप्रूव किया, सबको अच्छा लगा। सर, कश्मीर में जिस दौरान आप शूट कर रहे थे वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था, तो उस दौरान कितनी डिफ़िकल्टीज आई आपको? कर्फ्यू के दौरान में ज़्यादा दिन नहीं था, लेकिन जो शूट कर रहे थे वहाँ पर पुलिस की प्रोटेक्शन थी, और जिस एरिया में लोग रहे हैं दिक्कत आई है, लोकल कभी कभी आ जाते थे कि आप ये कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन पुलिस की प्रोटेक्शन थी और लोकेशन थोड़ी इस टाइप की थी कि जहाँ थोड़ा डिस्टर्ब होने के बाद भी हम लोग इस पिक्चर को कंप्लीट किया। ओपी राय पहले भी दो फिल्म बना चुके हैं, लेकिन बात की जाए माय फ्रेंड दुल्हनिया की, तो ये फिल्म आज के यूथ जनरेशन पर बेस है। अभी हमारे साथ हैं मुदस्सिर जी, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी ये फर्स्ट फिल्म है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नर्वसनेस भी है, आई से कि मिक्स्ड इमोशंस है। फिल्म को मेहनत से बनाया है, शिद्दत से बनाया है, तो अब कल फिल्म रिलीज हो रही है, तो लेट्स सी क्या ऑडियंस को कैसी लगती है। तो आपको क्या लगता है कि यंगर्स को ये फिल्म पसंद आएगी? 100%। देखिए फिल्म फ्रेश है, फिल्म का फ्रेश बहुत लुक आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है, फ्रेश लुक आ रहा है, और म्यूज़िक फिल्म का बहुत अच्छा है, वी हैव गॉट रोमांटिक ट्रैक, एक ट्रेवल सॉन्ग है और शादी का सॉन्ग है, तो लुक ऑफ द फिल्म इज़ लुकिंग वेरी नाइस, तो आई होप कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आएगी। आपने आर्यन का किरदार निभाया है, तो आपको कितना दिलचस्प, मतलब कितना मज़ा आया इसमें? बहुत मज़ा आया, अभी मैं पहले भी मीडिया से बात कर रहा था, उनको मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बताई कि आर्यन जो है, इट्स आई विल से आर्यन इज़ मोर लाइक मी। आर्यन भी बहुत ही इमोशनल है, इज़ वेरी सेंसिटिव कैरेक्टर है, ही इज़ मैडली इन लव विद माहिरा, और जब वो माहिरा को प्रपोज करने जाता है, और फिर वो शी काइंड ऑफ आई से शी डिसअपीयर, आई कैन से फिल्म से गायब हो जाती है, एंड हाउ ही काइंड ऑफ बाद में जब वो मिलता है, तो हाउ फिल्म यू नो मूव्स अराउंड, तो दिस इज आर्यन इन द फिल्म। इस फिल्म की कहानी लव स्टोरी पर है। फिल्म की शुरुआत सौरभ रॉय की शादी से होती है, जो कि साजिद का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में मुदस्सिर जफर आर्यन का किरदार निभा रहे हैं और शाइना बवेजा माहिरा का किरदार निभा रही हैं। हेलो शाइना, शाइना आपकी ये फर्स्ट फिल्म है, सो आपको क्या लगता है कि फिल्म में आपका किरदार किस तरह लोगों को पसंद आएगा?
वेल जो मेरा कैरेक्टर है इस मूवी में शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल. अगर उसको अगर देखा भी जाए वी कंपेयर टू द रियल लाइफ एंड आई थिंक मैं वैसी हूँ भी एंड आई थिंक माई ऑडियंस माई द पब्लिक विल डेफिनेटली लाइक दिस मूवी 100% बिकॉज टीन्स की मूवी है एंड इट्स वेरी रोमांटिक वेरी नाइस. तो ये आपकी फर्स्ट मूवी है, आपको क्या लगता है मतलब थोड़ा एक्साइटेड हैं आप फिल्म को लेकर कि क्या रिजल्ट आएगा, मतलब ऑडियंस को कितना पसंद आ सकती है? येस आई एम वेरी एक्साइटेड. देर आर वेरी मिक्सड इमोशंस, एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस भी अभी चल रहे कि कल क्या होगा. अभी दिसंबर चल रहा है एंड क्रिसमस पे भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म थोड़ा कर पाएगी और फिल्म के अकॉर्डिंग? डेफिनेटली अगर हमने हमारी टीम ने पूरा 100% दिया है सो ऑब्वियसली आई थिंक हम कर जाएंगे. फिल्म की शुरुआत में थोड़ा सस्पेंस है लेकिन फिल्म के आखिरी पड़ाव में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है. लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहिए RI24 न्यूज. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे फिल्म कास्ट आई थी माई फ्रेंड धुलनिया की और यहाँ पर हम लोगों ने उनसे बातचीत करी, जाना फिल्म के बारे में, इंटरवल भी देखा. तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि फिल्म क्या रंग लाती है. मैं इसी के साथ सदफ खान, कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ RI24 न्यूज दिल्ली.